शुरुआत करें दिल्ली की खबर से, जहां औरबिंदो कॉलेज के पास एक कारोबारी को बदमाश ने गोली मार दी। कारोबारी कमल जीत पैसों से भरा बैग लेकर बैंक जा रहे थे, उसी वक्त एक बदमाश ने उनसे बैग छीनने की कोशिश की। पास खड़े एक ऑटो ड्राइवर ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने ऑटो ड्राइवर पर भी हमला कर दिया। घायल कमलजीत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अयोध्या में मंदिर विवाद को सुलझाने की कोशिश को लेकर गुरुवार को आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर अयोध्या जाने वाले हैं। आज राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। बुधवार को अयोध्या में मंदिर विवाद से जुड़े तीन पक्षकारों से भी मिलेंगे रविशंकर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात होगी। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हैं। इससे पहले बेंगलुरु में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कहा था कि उम्मीद है कि 2018 से मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। आज तक जहां भी हम गए कोई स्थिति बिगड़ी नहीं है, सुधरी ही है। चलिए, मनीष तिवारी जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के लीडर हैं श्री हैं, उनको सरकार ने वार्ताकार नहीं बनाया है, वो खुद बनते हैं तो। हाँ ठीक, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सरकार ने नहीं बनाया हमको। वार्ता से आपको कितनी उम्मीद है? देखिए अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, देखिए अगर उम्मीद लग रही है हमारा जी कहीं ना कहीं है तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तारीख का दावा किया है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं की जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि अगले साल अप्रैल तक सुनवाई पूरी हो जाएगी, अगस्त तक फैसला आ जाएगा और अगले साल दिवाली तक राम लल्ला का गर्भगृह तैयार हो जाएगा। मैं समझता हूँ अगस्त तक तो जजमेंट आ जानी चाहिए, जीतना तो निश्चित है। और मंदिर निर्माण कब से? मंदिर निर्माण तो सब प्री उसको कहते हैं प्री स्ट्रेस का वो उसको प्री फैब्रिकेटेड है, सिर्फ ऐसा ऐसा जोड़ना है जैसे खिलौना का जोड़ते हैं ना, तो गर्भगृह तो दिवाली तक तैयार हो जाएगा। ऑड इवन पर एनजीटी के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका दिल्ली सरकार ने वापस ले ली है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। एनजीटी ने कहा कि जब हालात सुधरे नहीं तो स्कूल क्यों खोला गया? पोल्यूशन लेवल बढ़ने के 48 घंटे के अंदर ही अलर्ट हो जाना चाहिए था। यही हाल रहा तो बच्चे 20-25 की उम्र होने तक बीमार हो जाएंगे। एनजीटी ने पूछा कि सिर्फ महिलाओं के लिए बसें क्यों नहीं चलाई जा सकती? एनजीटी ने पूछा कि जब रिपोर्ट में कहा गया है कि दो पहिया वाहनों से ज्यादा प्रदूषण होता है तो फिर उन्हें छूट क्यों दी जा रही है? और उधर माता वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर एनजीटी के आदेश का विरोध हो रहा है। फैसले के खिलाफ कटरा से वैष्णो देवी मार्ग पर घोड़े और पालकी वाले 5,000 से ज्यादा मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं। 24 नवंबर तक वैष्णो देवी के नए रास्ते को खोला जाएगा जिस पर घोड़ों के जाने की इजाजत नहीं है। नए रास्ते पर सिर्फ श्रद्धालु और बैटरी वाली कार चलेंगी। एक दिन में सिर्फ 50,000 श्रद्धालु ही दर्शन करेंगे। श्रद्धालु 50,000 से ज्यादा हुए तो कटरा में भी रोके जाएंगे। गंदगी फैलाने वालों पर ₹2,000 जुर्माना लगेगा। भारतीय सेना साउंड की स्पीड से भी तेज हमला करने वाले मिसाइल का परीक्षण करने वाली है। यह टेस्ट जमीन से नहीं बल्कि हवा से होगा। दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट सुखोई 30 MKI से टेस्ट फायर होगा। पिछले साल ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होकर सुखोई 30 ने उड़ान भरी थी। इस बार सुखोई 30 से
ब्रह्मोस मिसाइल को टारगेट पर फायर किया जाएगा। ब्रह्मोस को सुखोई 30 से फायर करने से मारक क्षमता 300 किलोमीटर बढ़ जाएगी। इस मिसाइल से टेरर कैंप पर हमला किया जा सकता है। समंदर के बीच में एयरक्राफ्ट कैरियर को भी नष्ट किया जा सकता है। मिसाइल को जमीन, हवा और समंदर से लॉन्च किया जा सकता है। मुंबई में पेड़ गिरने से महिला की मौत के मामले में बीएमसी ने कहा है कि उनकी लापरवाही से हादसा नहीं हुआ। बीएमसी ने हादसे के लिए तेज हवा और बारिश को जिम्मेदार ठहराया है। जिस महिला की मौत हुई उसका नाम कंचन था। उसके रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने इस मामले में बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया था। उनका कहना था कि बीएमसी में कई बार पेड़ काटने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन बीएमसी ने उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया। इस मामले में जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन रिपोर्ट में बीएमसी ने अपनी गलती नहीं मानी। कश्मीर में दो जगह आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। कुलगाम में एक से दो आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कश्मीर के त्राल में ही दूसरा एनकाउंटर थोड़ी देर पहले खत्म हुआ। त्राल के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद यह सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तेलंगाना में एक पुलिस स्टेशन का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक महिला पुलिस अपने सीनियर की मसाज कर रही है। इस वीडियो को थाने के ही दूसरे कांस्टेबल ने बनाया है। मसाज करा रहे सब इंस्पेक्टर का नाम हसन है। वीडियो वायरल होने के बाद सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से दो फिल्मों के हटाए जाने से नाराज फिल्म मेकर सुजॉय घोष ने पैनोरमा के ज्यूरी चीफ से इस्तीफा दे दिया है। यह पूरा विवाद मलयालम फिल्म एस दुर्गा और मराठी फिल्म न्यूट को हटाने से जुड़ा है। दोनों फिल्मों को ज्यूरी की मंजूरी थी, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इंडियन पैनोरमा की अंतिम सूची से इन दोनों फिल्मों को हटा दिया। बताया जाता है कि सुजॉय घोष इन फिल्मों को हटाए जाने से नाराज थे। उधर पीएम मोदी ने सोमवार शाम फिलीपींस में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की तो वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने एक महिला को खुद मंच पर बुलाया और कविता पढ़ने को कहा। कविता सुनकर मोदी भी मुस्कुरा उठे। राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा ने आज हरियाणा के हिसार में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बार एसोसिएशन पहुंचे डॉ. सुभाष चंद्रा ने म्यूजियम हॉल का उद्घाटन किया और वकीलों से मुलाकात की। इसके बाद डॉ. चंद्रा ने गांव भैरी अकबरपुर में जन चेतना समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीणों की तरफ से किया गया था। नॉर्वे में एक बच्चा ट्रक से कुचलते बाल बाल बचा। ये बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे, लेकिन उन्होंने सड़क के दोनों ओर देखे बिना उसे पार करने की कोशिश की। इसी में एक बच्चा तेजी से आ रहे ट्रक के सामने आ गया। गनीमत थी कि ट्रक ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक मार दिए और ये बच्चा बच गया। ये वीडियो स्कूल बस के पीछे आ रही एक गाड़ी के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। तो बधरों के लिए आज के इस बुलेटिन में इतना ही।